हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी अफगानी सलवार बनाना बताऊंगी। इसे अफगानी प्लाजो भी कहते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी सिंपल और इजी है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो सलवार बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस सलवार की लेंथ है 36 इंच, यानी 36 इंच। अगर आपके सलवार की लेंथ 36 इंच से ज़्यादा है तो फिर आपका 2.5 से 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने इसे 2 फोल्ड किया है। यहाँ से ये ओपन है और यहाँ नीचे से ये फोल्डेड है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। देखिए, यहाँ से ये 4 लेयर ओपन है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ से इसे एकदम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट के लिए, इस तरह। अब इस लाइन के नीचे से हम सलवार की रेडी लेंथ लेंगे। तो इस सलवार की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो यहाँ पर ये पूरी लेंथ रखूँगी मैं 36 इंच। और इसमें हमें एक्स्ट्रा बॉटम फोल्ड के लिए नहीं लेना है क्योंकि इसमें अलग से मोरी अटैच होगी। तो हमें इसकी सलवार की जो भी हमारी रेडी लेंथ हो वही लेनी है। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हिप साइज हो उसका 1/4 हिस्सा प्लस 4 से 5 इंच की लूजिंग रखनी है। जैसे हिप है इसके 40, तो 40 का 1/4 हिस्सा होता है 10 और उसमें प्लस 5 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगी तो होगा 15 इंच। तो 15 इंच पे हिप का निशान लगा रही हूँ मैं। और अगर आपके हिप साइज 38 से कम है तो आप 3 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं, हिप का 1/4 हिस्सा प्लस 3 इंच की लूजिंग। और अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का 1/4 हिस्सा प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है। हिप का 1/4 हिस्सा है 10 और उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग तो होगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से आसन का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जितनी हम सलवार में बॉटम रखते हैं उससे डबल रखना है। जैसे मेरे सलवार की बॉटम में रखती हूँ 7.5 इंच, तो उसका डबल रखूँगी मैं 15 इंच। तो 15 इंच पे बॉटम का निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब इस वाले निशान को नीचे बॉटम वाले निशान से मिला देंगे। तो बस ये मार्किंग हो गई है हमारी। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसे ओपन करेंगे और बॉटम में जो फोल्ड है पहले इसे कट कर लेंगे सेंटर से। देखिए, इस तरह से ये 2 पार्ट हो गए हैं। और अब हम सबसे पहले इसके आसन ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रख ली है इस तरह। और अब हम यहाँ दोनों आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो जो मैंने ये मार्किंग की है इसी मार्किंग पे दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, दोनों आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह इसे रखेंगे। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो पहले ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक के दोनों पार्ट को मिला के इस तरह से जॉइंट कर लिया है। और इलास्टिक की लेंथ आपको अपने कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। जो भी आपकी कमर हो उसे 2 से 3 इंच कम लेना है। जैसे कमर है इसकी 32 इंच, तो मैंने 30 इंच इलास्टिक की लेंथ रखी है। अब इस इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे किनार पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह ऊपर से बेल्ट को फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए इस तरह नीचे किनार पे सिलाई लगाना है। और सिलाई इलास्टिक पे ना लगे इस बात का ध्यान रखना है।
और अब इलास्टिक को खींचकर इस तरह गेदर्स को इक्वल करेंगे पूरे वेस्ट राउंड में। और अब इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे ये इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। और अब इसकी मोरी में हम प्लीट्स डालेंगे। तो मोरी के दोनों तरफ 1.5-1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें 1.5-1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरह प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह छोटी छोटी प्लीट्स बना रही हूँ मैं 1/2 इंच की। तो देखिए इस तरह मैंने सारी प्लीट्स बना ली है और सेम इसी तरह हमें दूसरे वाले पार्ट में भी प्लीट्स बनानी है। और प्लीट्स डालने के बाद मोहरी की चौड़ाई है 15 इंच। और अब हम इसमें बॉटम पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने और इसमें आप कैनवास का भी यूज़ कर सकते हैं। और पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई है इसकी 15 इंच। अब इन पट्टी को हम सलवार के नीचे रखेंगे रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड से हमें इसे अटैच करना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह इसे डबल फोल्ड करेंगे सीधी साइड और यहाँ किनार पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इस लेस को मोरी के नीचे रखेंगे इस तरह से और ऊपर सिलाई लगाएंगे और मोरी के ऊपर 1-2 सीधी सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए लेस अटैच करने से इस मोरी का लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की मोरी भी रेडी करनी है। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पे मैं इसकी बॉटम का निशान लगा रही हूँ। और अब इस तरह मार्किंग करके हम अंदर की तरफ इनर लेग में सिलाई लगा लेंगे। तो अभी अफगानी सलवार बनके रेडी है और आप देख सकते हैं सलवार कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और इसके साथ मैंने ये स्ट्रेट साइड दोरी कुर्ती बनाई है जिसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। कुर्ती के वीडियो की लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।